राम दोस्तों, कैसे हो? पहल न्यूट्रिशन में आपका स्वागत है दोस्तों। और आप जान सकते हो न्यूट्रिशन के बारे में, भाई बढ़िया, कोई तरह टोक ना लाता, कोई रास्ता लेकर ना आता तरह ही। मैं पहला प्रोटीन के बारे में बात कर ले, बाद में देखे 17 लग गया मैं, मुझे तो छोरा बेन क्यों करो मुझे नहीं मेरा। तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन हमें क्यों लेना चाहिए। और प्रोटीन अगर, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं अभी से बहुत सारे बच्चे की प्रोटीन लेने से क्या हमें बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि हम डाइट से प्रोटीन ले सकते हैं और इन प्रोटीनों से क्या डिफरेंट है हमारा, वो आज हम बात करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूं कि डाइट से प्रोटीन जो हम लेते हैं वो 5 घंटे के अंदर हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है। तो दूसरी बात अभी से, अगर हम इन प्रोटीनों से जो प्रोटीन लेते हैं रिकवरी होनी चाहिए, ओके, क्या बेनिफिट इनके बारे में? इनके बारे में एक तो ये है कि डाइट से हम पूरा प्रोटीन नहीं ले सकते, हमारी जो क्वांटिटी की जो पर डे की रिक्वायरमेंट होती है उसका कम से कम नहीं तो 30 ग्राम या 40 ग्राम रह जाता है, वो ये पूरी करता है। 1 से 2 स्कूप मान लो आप इसकी लेते हो, और इसका रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट है, जहाँ वो लेगा टाइम आपका 5 से 6 घंटे, ये लेगा आपका आधा। डाइजेस्ट का ही चक्कर पड़ता है, इसलिए इसको लेते, नहीं तो देसी डाइट से भी आप प्रोटीन ले सकते हो। डाइजेशन पे ही डिपेंड करता है कि प्रोटीन कितना महंगा है और कितना सस्ता है। बिल्कुल, जैसे इन दोनों प्रोटीनों के बारे में आज हम बात करना चाहेंगे। तो जैसे अभिषेक, दोनों प्रोटीन है, दोनों के बारे में आपने क्या नोट किया? क्योंकि हमारी 10-15 मिनट से बहस चली हुई थी, तो दोनों में डिफरेंट है, लेकिन अभिषेक बोल रहा था कोई डिफरेंट नहीं है। तो क्या डिफरेंट है, आप लोग भी शायद ये सोचते होंगे। ये है भाई वे प्रोटीन, ठीक है, वन साइंस का, और इसका ये है ऑफिशियल स्टिकर, देख लो आप, ये इम्पोर्टर मसल हाउस, ठीक है, इसका और कोई नहीं आता, इसका यही है फिलहाल, ठीक है। और ये है नाइट्रा वे प्रोटीन। तो इन दोनों के बारे में अभी एक बार आप दोनों को अच्छी तरीके से बताओ एक बार आप। सबसे पहले तो अगर आपके घर पे ये पैकेज आता है, कोरियर आता है प्रोटीन, अगर आप पहल न्यूट्रिशन.in से मंगाते हो या किसी और साइट से मंगाते, बिल्कुल, सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें, बिल्कुल, उसके बाद पूरे डब्बे को सैनिटाइज करें, ताकि कोई पीछे से कोई बीमारी हो, थारे घर में बीमारी ना बढ़े भाई, सिचुएशन को लेके करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, उसके बाद इन दोनों में ये डिफरेंस बता भी सकती, ये डिफरेंस है कि सबसे पहले तो ये नॉर्मल रिकवरी के लिए चलेगा, मतलब आप अच्छा ओनली बस खाली रिकवरी के लिए, बजीरा जी करंती प्रोटीन पीस के है नु, नहीं कि वो बॉडी में कुछ करेगा, बॉडी की रिकवरी ये प्रोटीन की चम्मच घोल के क्या हो रहा है, थकावट हो रही है उसको दूर कर देगा, इससे क्या बेनिफिट एक बार हो बताओ आप। ये इसमें देखो 3 ग्राम की सर्विंग क्रिएटिन की दी है, और एक बार टोटल इसके बारे में बता दो आप, इसके बारे इसमें ये देखो ये ब्लेंड है, आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट दोनों का ब्लेंड है, इसमें 34 ग्राम में 27 ग्राम, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है, इसमें 30 ग्राम में 24 ग्राम नहीं, एक चीज में डिफरेंट है अभिषेक भाई, जैसे इसमें 25 ग्राम प्रोटीन है और इसमें 27 ग्राम प्रोटीन है, तो 2 ग्राम प्रोटीन ज्यादा हो गया ना भाई इसमें। बट अगर आप 34 ग्राम की सर्विंग इसमें है, 30 ग्राम की सर्विंग में 25 ग्राम प्रोटीन, इसमें है 34 ग्राम की सर्विंग में, तो इतनी चीज नहीं देखते ना भाई, ये तो देखते हो इसमें 25 ग्राम प्रोटीन, इसमें 27 ग्राम है तो ये ले लेंगे, लेकिन वो फिर उसमें क्या है कि थोड़ी क्वांटिटी के हिसाब से भी आप थोड़ा सोचा करो, अगर आप कहीं न्यूट्रिशन लेने जा रहे हो तो उसे पूछा भी करो, क्योंकि उसका काम है बताना। आप क्या करते हो भाई, ओन का प्रोटीन दे दो, साइज गेन करना है, ओन का प्रोटीन तो भी साइज गेन नहीं करता होगा मेरे हिसाब से, अगर आप प्रोफेशनल हो तो तब ले सकते हो। तो हम टॉपिक को दूर नहीं करते हैं, तो इसमें भाई 25 ग्राम प्रोटीन आप देख सकते हो, एक बार ये देख लो 25 ग्राम प्रोटीन है, और ग्लूटामाइन इसमें 5.2 है, और BCA इसमें 6.6 है, और ठीक है, चीजें और मैं बताना चाहूंगा, बिल्कुल। ये देखना है इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, तो इसमें दोस्तों खाली प्रोटीन है इसमें, और BCA ग्लूटामाइन भी है, तो इसमें है जो नाइट्रा वे है 27 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग क्रिएटिन है, जिससे आपकी मसल बिल्डअप हो जाएगी। बहुत सारे भाई सोचा क्रिएटिन से कटिंग पड़ जाएगी, एप्स निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, क्रिएटिन से क्या बेनिफिट होता है एक बार बताओ आप भाई। क्रिएटिन आपकी मसल बढ़ाता है, क्रिएटिन, बट ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बल्क हो जाओगे, नहीं, नहीं, भी आ जाएगी, मसल भी आ जाएगा, बट ये है कि 3 ग्राम प्रोटीन इतना, वो क्रिएटिन इतना ज्यादा नहीं है, क्रिएटिन सर्विंग के हिसाब से, क्रिएटिन का अलग ही होता है लेवल, उसको लोड करना पड़ता है बहुत बार, अलग अलग प्रोसेस होती है मतलब उसको लेने की। हाँ, क्रिएटिन को मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी, उस पर नेगेटिव में चला दी चली गई थी मेरी, मैंने टिकटॉक पे बनाई थी, क्योंकि वो इसलिए गई थी, मैंने बोला था क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैंने बोला था जो ज्यादा बिगिनर बच्चे, अगर आप हो, अगर आपको नॉलेज ही नहीं क्रिएटिन या प्रोटीन के बारे में, तो आपको क्रिएटिन लेना
बिल्कुल नहीं ले जाते। अगर आपको नॉलेज है, आप जिम लगा रहे हो अच्छी तरीके से, और अगर आप अच्छी तरीके से वर्कआउट कर रहे हो, 2-3 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से आप पानी पी रहे हो, तब आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। क्रिएटिन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप उसको कंटिन्यूस काफी टाइम तक लेते हो और उसमें जो उसको चाहिए, मतलब आपको पानी चाहिए कम से कम 5-6 लीटर रोज, अगर आप 5 ग्राम की सर्विंग ले रहे हो बिल्कुल, तो वो किडनी डैमेज बहुत जल्दी करता है अगर आप कंटिन्यू लेते रहोगे 3-4 महीने तक और पानी नहीं कंटिन्यू पियोगे इतना ज्यादा। अब पानी नहीं पियोगे, वर्कआउट आप अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो जाके दिक्कत है। तो इन दोनों प्रोटीनों के बारे में बता देता हूँ, ये वे प्रोटीन है, इसमें क्या खाली रिकवरी हो जाएगी, जैसे जो प्रोफेशनल है, जो जिनकी बॉडी अच्छी बन चुकी है वो भी इसको ले सकता है, इसको भी ले सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। इसमें क्रिएटिन है, ये थोड़ी गेनिंग करा देगा आपकी बॉडी की, और भी चीजें हैं इसमें, मक्का पाउडर भी है, ट्राइबुलस भी है और भी है। अच्छा, ये मक्का पाउडर और ट्रूबलस, एक बार इनके बारे में आप बताओ। ये चीजें हब है एक तरीके से, मतलब जो जड़ी बूटी मान सकते हो आप इनको, तो इनका पॉजिटिव इफेक्ट ही है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट। हाँ, इसमें कोई मतलब कोई गलत चीज नहीं है। मक्का रूट है जो अपने हार्मोन से ग्रोथ करता है, जो ट्रूबलस है एक आपको अच्छी नींद लाता है, ट्रूबलस क्या करता है हार्मोन से ग्रोथ करता है, वही चीज है इसमें। आपको ज्यादा डीप वीडियो अगर इन 3 चीजों पे चाहिए, मक्का पाउडर और ये सब, तो आप कमेंट करना। हाँ बिल्कुल बताना अगर आपको चाहिए सेम चीज तो। इनके मैं ये पढ़ लो एक बार आप अभिषेक भाई, इनके बारे में एक बार पढ़ के बता दो भाइयों को। इसका सर्विंग साइज है 30 ग्राम का, रिकमेंडेड स्कूप है 1 स्कूप लेनी है, और प्रोटीन इसमें करीबन ये 25 ग्राम है पर सर्विंग में। 30 ग्राम की सर्विंग है, उसमें 25 ग्राम प्रोटीन है और कैलोरी है 117 और सैचुरेटेड फैट 0.6 ना के बराबर। हाँ, फैट ना ही के बराबर है, ज्यादा फैट नहीं है, आप इसको ले सकते हो। 1.6 ना के बराबर ही मान लो आप, शुगर भी 1.6 ना के बराबर है, प्रोटीन फिर सॉल्ट भी 0.24। तो कहने का मतलब ये है जो आम इंसान है वो भी ले सकता है, जो प्रोफेशनल है वो भी ले सकता है खाली, क्योंकि ये कई बार क्या हो जाता है हमारी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती, तब हम प्रोटीन यूज कर सकते हैं ताकि बॉडी में एनर्जी भी आए और वर्कआउट अच्छी तरीके से हम कर पाए। तो इसमें देखना एक बार इनमें क्या है भाई फर्क, ये देख लो इसमें काफी डिफरेंस है। इसमें वहीं पे 126 नहीं, पहले स्कूप है 34 ग्राम और पर सर्विंग है 27 ग्राम प्रोटीन है, मतलब एक सर्विंग में। उसके बाद इसमें वो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 3 फैट थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा फैट है, ये नहीं बोलूंगा बल्किंग फैट है, मसल्स का ही फैट है इसमें। मक्का पाउडर है 150 mg, ये थोड़ा ओवरडोज है, तभी इसका प्राइस, दोनों का प्राइस थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए वो ये हब्स थोड़ी महंगी है, इसलिए थोड़ा महंगा है ये। अच्छा, बात हमारी मेन टॉपिक यही था, हमें प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। प्रोटीन इसलिए लेना चाहिए कि प्रोटीन डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है, और एक हम वर्कआउट 2-2.5 घंटे कर रहे हो, अगर आप पनीर से या चिकन से आप प्रोटीन लोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो रिकवरी नहीं होगी, रिकवरी नहीं होगी तो थकावट नहीं उतरेगी, थकावट नहीं उतरेगी तो वर्कआउट के लिए बिल्कुल जी नहीं करेगा आपका, तो इसलिए आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो बात है इन दोनों में से कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, वो आपके बजट पे भी डिपेंड है, जैसे अपने गोल के ऊपर डिपेंड है। अभिषेक, जैसे नॉर्मली अगर आप लोगों को प्रोटीन की क्वांटिटी पूरी करनी है तो वे प्रोटीन ले सकते हो, अगर आपको थोड़ी गेनिंग करनी है, मसल्स गेन करना है, तो आप ये ले सकते हो। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो बिल्कुल, और वो घंटा दबा दो ताकि पता चल जाए वीडियो पे एलुटेशन की आ गई है, जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप डिस्क्रिप्शन, किसी भी टॉपिक पे, या आपने मसल गेनिंग पे या वेट लॉस पे चाहिए या किसी भी प्रोटीन के रिव्यू पे चाहिए, तो आप जल्दी कमेंट करके बताना और कमेंट जरूर देखो। और इस वीडियो में कुछ खासियत है, अगर आपने नोट कर लिया तो आपको कुछ गिफ्ट देंगे। थैंक यू सो मच।